लखनऊ की सड़कों पर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल इसराइल के हमले में मारे गए हसन नसरल्लाह की मौत पर लखनऊ के शिया समुदाय में खासा आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जहां नसरल्लाह को अपने देश का क्रांतिवीर बताया, तो वहीं भारत सरकार से इसराइल को हथियार सप्लाई नहीं करने की मांग की। बीजेपी ने भी एसपी पर पलटवार किया और नसीहत दी कि वो विदेश नीति में तुष्टिकरण की राजनीति को शामिल न करें। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरल्लाह की मौत के विरोध में लखनऊ के इमामबाड़ा पर हजारों मुसलमान इकट्ठे हो गए। इस दौरान लखनऊ में इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, नसरल्लाह की मौत के विरोध में लखनऊ में मुस्लिमों ने अपने घरों पर काला झंडा लगाया। लखनऊ में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर शिया समुदाय के 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए। आधी रात 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला। महिलाएं और बच्चे भी हाथ में मोमबत्तियां लेकर साथ साथ चले। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने दुख जताया और हसन नसरल्लाह की मौत को शहादत बताया। मजलिस पढ़कर नसरल्लाह की मौत पर मातम मनाया गया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर शिया समुदाय के लगभग 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए। आधी रात 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुए, जो कि हाथ में कैंडल लेकर साथ चलते हुए दिखाई दिए। हम लोग जो हैं, जो करबला इमाम हुसैन की शहादत का वाकया है, किसी का भी, हमारा कोई कभी भी मर जाता है, हम उसका गम नहीं मनाते हैं। हम अपने इमाम का, करबला के वाकये का तस्किरा करके इसका सवाब उनकी रूह को भेजते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शोक का यही हमारा सिस्टम रहता है और हम इसी तरीके से उनका शोक भी मनाएंगे कि 3 दिन तक मजलिस मातम आज़ादारी होगी ताकि इसका सवाब उनको हदिया किया जा सके। नसरल्लाह की मौत पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। हसन नसरल्लाह और इस्माइल हानिया अपने अपने देश के शहीद हैं। साथ ही भारत सरकार से इसराइल को हथियार सप्लाई बंद करने की मांग की। बीजेपी प्रवक्ता ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि किसे हथियार सप्लाई करने हैं और किसे नहीं, ये विदेश नीति का मामला है। एसपी इसमें तुष्टिकरण की राजनीति न करे। नसरल्लाह के जाने से ये लड़ाई कमजोर नहीं होनी, ये लड़ाई और मजबूत होनी है। लेकिन जो भारत के लोग हैं, भारत की जनता है, भारत की जो आजादी की लड़ाई है, वो फलस्तीन के आजादी के साथ जुड़ी हुई है। तो हम इस देश के प्रधानमंत्री और जो विदेश नीति है हमारी, हम चाहेंगे कि ये जो आप इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, बम बारूद सप्लाई कर रहे हैं, जो कि निर्दोष बच्चे, पत्रकार और जो लोग टेंट्स में रह रहे हैं, उन्हीं के ऊपर भारत के बम गिर रहे हैं, तो आप इमीडिएट ये जो सप्लाइयां इसराइल को आप दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बंद करनी। भारत किस देश को हथियार सप्लाई करेगा, किससे कौन से रिश्ते रखेगा, ये विदेश नीति का मामला होता है। बड़ा गंभीर विषय है। इन गंभीर विषयों को आंतरिक राजनीति से नहीं आंकना चाहिए और वोट बैंक से तो बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी विदेश नीति जैसे विषयों पर कम से कम वोट बैंक के आधार पर बयान न दे। लखनऊ में मजलिस पढ़कर नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाया गया। शिया समुदाय ने 3 दिन शोक मनाने का ऐलान किया है। इस दौरान बड़ा इमामबाड़ा से लेकर छोटा इमामबाड़ा तक दुकानों को बंद रखा जाएगा। शोक मनाया जा रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर ये पोस्टर लगाया गया था और अब शिया समुदाय की ओर से लखनऊ में 3 दिन के लिए शोक का ऐलान किया गया है। यानी कि 3 दिन छोटा इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा के बीच में जो तमाम दुकानें हैं वो बंद रहने वाली हैं और इस दौरान शोक मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।